हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं चटनी बनाना। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत आसानी से बन जाती है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली ली है। उसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगोने से पहले मैंने उसको एक दो बार धो लिया था। अच्छे से हल्के हाथों से धोना है आपको। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और आपको लगातार चलाते हुए बॉईल करना है इसको। ये देखिए, इमली बॉईल होने लग गई है। अभी मैंने इसकी गुठलियाँ नहीं निकाली है, आप चाहे तो पहले निकाल सकते हैं। इमली को उबालने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया था, और 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर ली है। अब मैं इमली को छान लूँगी, और जितने भी इसके बीज होंगे उसको हम अच्छे से पहले छान लेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली को अच्छे से छान लिया है। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिए है, हम उसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, तो उसको हल्का भूरा होने तक रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए, अब इनको निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। इसको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पानी, जो हमने बॉईल करके बनाया था, छान के बनाया था। अब हमें इसको एक उबाल आने देना है, और इस टाइम हमें फ्लेम हाई रखनी है, और आपको लगातार चलाते हुए बनाना है इसको, ताकि ये जले ना। इस चटनी की रेसिपी में मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो उबलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप गुड़। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली में 1 कप गुड़ ऐड किया है। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। आपको फ्लेम हाई में रखना है और लगातार चलाते हुए बनाना है इसको। और आप लोग देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच भुना जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काला नमक 1/4 टीस्पून, और सफ़ेद नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप लोग ट्राई करना ज़रूर। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए, और आपको इसको लगातार चलाते हुए बनाना है। तो हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लग गया है, ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट किए थे। ड्राई फ्रूट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद अब हम इसको और पकाएंगे 1 मिनट लो फ्लेम पे। तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, देखिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी चटनी एकदम रेडी है। ये देखिए एकदम थिक हो गई है, और ये बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग ट्राई करना। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आप लोग इस चटनी को पराठे के साथ ले सकते हैं, पूरी के साथ ले सकते हैं। और आप लोग देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। यहाँ पे मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।